अस्सलामुअलैकुम दुनिया न्यूज़ में मैं हूँ आपके साथ आयशा ज़ुल्फ़िकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। पंजाब हुकूमत ने यंग डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करने का दावा कर दिया, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि हड़ताल खत्म नहीं हुई, सिर्फ इमरजेंसी सर्विस बहाल की। रहमान मलिक ने कहा है कि नवाज शरीफ मुश्किल वक्त में लंदन चले जाते हैं, नारे लगाने वाले शहबाज शरीफ भी मुल्क छोड़ गए थे। वजारत खजाना ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए पेप्को को 10 अरब रुपए जारी कर दिए। मखदूम शहाबुद्दीन और सेक्रेटरी सेहत एफेड्रीन के गलत इस्तेमाल से आगाह किया गया, वजारत सेहत के तहफ्फुज़ात पर मबनी दस्तावेजात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर लिए। वज़ीर आज़म परवेज अशरफ ने कहा है कि हुकूमत गैर जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर चाहती है, ओपोजिशन की राय का एहतराम करेंगे। तहरीक इंसाफ का रसद की बहाली के खिलाफ कल से एहतजाज का ऐलान, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल 8 जुलाई को लॉन्ग मार्च करेगी। दोहरी शहरियत और तौहीन अदालत तरमीमी बिल मंजूर, एमकेएम के 2 अरकान असेंबली की रुकनियत भी मुअत्तल। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। और विंबलडन ओपन में अमरीकी टेनिस स्टार मार्टी फिश की सर्विस लाइन जज को महंगी पड़ गई। दुनिया न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही, अभी आप देखिए प्रोग्राम क्रॉस फायर।